अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट, मेरी आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे बीए पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए। जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियोस में जो सीक्वेंस वाइज जो मैंने जो शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करती आ रही हूँ, उनका मल्टी आंसर आपको आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ, इसी तरह आज की मेरी वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें मैं आप लोगों के साथ सिक्स वाली जो शॉर्ट स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, इसके बारे में बताऊंगी कि अब इसके भी आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक मल्टी आंसर आप लोगों ने याद कर लेना है, और इस स्टोरी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बस वो लिख देना है। तो आप लोग के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा जो हेल्पफुल साबित होगी, तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। शुक्रिया। तो स्टूडेंट, हम अपनी आगे की जानब बढ़ाते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप लोगों के लिए जो है ना, आप इसका भी एक मल्टी आंसर कर सकते हैं जो कि नहायत ही ईजी वर्डिंग में है, उर्दू ट्रांसलेट के साथ दिया हुआ है, तो आप लोग के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इस तरह आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये देखें, ये इसका आंसर है जो कि नहायत ही ईजी वर्डिंग में है, उर्दू ट्रांसलेट के साथ बनाया गया है और बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो ये देखें, बस ये इतना सा, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अब तो वैसे भी स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद कर सकें, ज़्यादा आंसर याद, तो ये मल्टी आंसर बहुत बेस्ट है। आप लोग बस इसे याद करें, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है इस स्टोरी से रिलेटेड तो आप लोगों ने ये लिख देना है। बस आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी की शॉर्ट स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, कर दूँगी सिक्वेंस वाइज सारी। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अब नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।